Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer, CDTM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. आज का मेरा टॉपिक है ब्रशेस. आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे ब्रशेस डिस्प्ले किए गए हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ब्रशेस कितने टाइप के होते हैं और उन्हें किस प्रकार से यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल टाइप के ब्रशेस हैं, ये देख सकते हैं. और ये थिकनेस से लेके आप देख सकते हैं एकदम फाइन है. इसमें जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जो इसके जो ब्रिसल्स हैं वो हेवी हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं. ठीक, तो ये कहलाते हैं राउंड ब्रशेस, रेगुलर ब्रशेस में है. और ये कहलाते हैं आपके फ्लैट ब्रशेस. थर्ड टाइप के ब्रशेस हैं, ये देख सकते हैं आप, इसे कहते हैं एक्वा ब्रशेस. ये देखिए, ये एक्वा ब्रशेस हैं, इनके कैप्स भी हैं और ये पॉइंटेड भी हैं और फ्लैट भी हैं. ठीक है, जैसे कि इसका नंबर है, आप देख सकते हैं कितना फाइन है ये. तो इसका नंबर है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 एंड नंबर 3. ये बाकी के जो ब्रशेज हैं ये फ्लैट ब्रशेज हैं. तो ये जो है ये नंबर 4, नंबर 7 ये वाला, और ये नंबर 10 है. ठीक है, तो ये एक्वा ब्रशेज है, इन्हें स्क्वीज ब्रश भी कहा जाता है. इसमें क्या करते हैं हम, कि इसमें हम पानी को फिल कर देते हैं. जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम ब्रश पे कलर लेते हैं, तो जब हम उसको वाटर में डिप करते हैं तो पानी जो है कई बार ज़्यादा आ जाता है. तो इसी इसमें ये देखिए, जैसे कि ये बिल्कुल पेन की तरह है, इसमें हमने पानी भर रखा है. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये पानी भरा हुआ है. और जैसे ही हम इसको हल्का सा स्क्वीज़ करते हैं, हम ब्रश को पेंट में लेते हैं और फिर जैसे ही हम इसको जितना हमें वाटर चाहिए होता है उतना हम यहाँ से हल्का सा स्क्वीज़ करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है. ये देखिए, ये पानी आ गया. अब आप ये देख सकते हैं इस तरह से. ठीक, तो इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है. आजकल ये लेटेस्ट ट्रेंड में है. तो आपको जो वाटर बोल है फॉर पेंटिंग के लिए, वो रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली फिल हो जाता है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं. और अब नेक्स्ट टाइप के जो ब्रशेस हैं उन्हें कहते हैं पेन ब्रशेस. ये देखिए, ये पेन ब्रशेस हैं, इस पर ब्रशेस लिखा है. में अब ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है. ये देखिए, ये इसके यहाँ पे ये ब्रिसल्स हैं, यहाँ पे ये लगे हुए, एंड दीज आर नोन एज पेन ब्रशेस. ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, एनी कलर इफ यू वांट यू कैन गेट इट इन द मार्केट. और इनका ये कैप है इसको स्टोर करने के लिए, कि जो इसमें जो पेंट है वो ड्राई अप ना हो जाए. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रशेस विच आई हैव डिस्प्लेड हियर. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज अ ब्रश. ब्रश इज अ आर्टिस्ट टूल ऑफ द ट्रेड है. इन फैक्ट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल द आर्टिस्ट यूज. Therefore, it is good to know the various parts of your paintbrush. So, आज मैं आपको पेंट ब्रश की एनाटमी के बारे में बताऊंगी कि पेंट ब्रश एक्चुअल में होता क्या है. ये देख सकते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो एनाटमी का मतलब है कि कितने इसके किन किन पार्ट से ये बना हुआ होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी. Basically, it is made up of three parts. Consist of three major parts.
One is a bristle, the bristles. The second is a ferrule, and the third is the handle. ठीक है, तो bristle में हम देख सकते हैं कि bristle को भी हमने three parts में divide किया है. The first part is a toe और a tip, जो कि bristle का part है ना, जो toe या tip कहलाता है. The second one is a belly, जो ये fluffy part है, इसको हम belly बोलते हैं. And third is a heel, यहाँ पे जो बिल्कुल end part होता है, उसको heel कहते हैं. ठीक है, the second part is a ferrule, ये ferrule है, जो कि metal का बना हुआ होता है, जो bristles को hold करता है ऊपर से और नीचे से handle को hold करता है. ठीक है, अब ferrule भी दो parts में होता है, एक तो इसका hard ऊपर वाला हिस्सा जो बिल्कुल राउंड भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है, इसको कहते हैं हेड. और नीचे आपने देखा होगा ये रिंग्स बनी हुई होती हैं, विच इज़ नोन एज क्रिम. तो क्रिम में क्या होता है कि हैंडल जो है वो प्रॉपरली फिक्स हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये क्रिम होती है. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग. ठीक है, द हेड एंड द क्रिम. फिर थर्ड पार्ट आता है हमारा, विच इज़ नोन एज हैंडल. हैंडल होता है जिससे हम ब्रश को होल्ड करते हैं, इसीलिए इसे हैंडल कहा जाता है. बट हैंडल में और कोई पार्ट नहीं होता है, बट ये देखा जा सकता है, इट इज़ मोर थिक एट द साइड्स एंड देन इट टेपर्स डाउन एट द बॉटम. हैंडल के ऊपर जो है नंबर लिखा होता है और प्लस ये कौन सा वाला ब्रश है वो मेंशन होता है एंड द मैन्युफैक्चरर्स नेम इस पे डिपिक्टेड होता है. अब हम ब्रश की को डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है या एक पिक्चर है ब्रश की जो यहाँ पे डिस्प्लेड है, आप देख सकते हैं. और ये सारे पार्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करके और इनको हम थोड़ा सा समझेंगे. नाउ द ब्रिसल्स आर व्हाट, द ब्रिसल्स रेफर एज अ हेयर और अ फिलामेंट एंड इट इज मेक अप द हेड ऑफ द ब्रश एंड कॉल द ब्रश हेड. दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रश दैट होल्ड्स द पेंट. यहीं पर हम पेंट को लेते हैं और यहाँ पे हमारा पेंट को हम होल्ड करते हैं. दे आर मेड फ्रॉम नेचुरल हेयर, सिंथेटिक फाइबर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अब इसमें जिस तरह से बताया कि नेचुरल हेयर, तो नेचुरल हेयर इज जनरली इट इज़ अ एनिमल हेयर एंड मैनी एनिमल हेयर्स कैन बी यूज्ड. इट कैन बी मंगूस, इट कैन बी स्क्विरल, इट कैन बी हॉक और बैजल. These are the different types of animal hair which is used in bristles. Even synthetic fibers are also used, or the combination of both. Synthetic fibers may like nylons or polyester, which is also known as a teflon, or the combination of both. So the type of the fiber bristles you can just see, or yehi in bristles ko hum different shapes mein bhi देख सकते हैं. डिफरेंट शेप्स में आपका मतलब है कि जैसे ये राउंडेड है, ये पॉइंटेड भी हो सकता है, इट कैन बी फ्लैट आल्सो. सो दीज आर द ब्रिसल्स हेयर्स को हम डिफरेंट शेप्स में भी दे सकते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको नेम देते हैं. वो मैं आपको इसमें अभी थोड़ी सी देर में आपको समझाती हूँ. और जो ब्रिसल की जो क्वालिटी होती है, जो ब्रिसल की जो क्वालिटी होती है वो उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करती है. ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इज फेरल. जो ब्रश का जो फेरल है आप देख सकते हैं,
It is a metal band that connects the bristles to the handle, and the crimp is the part of the ferrule that secure it to the handle. यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? एक तरफ ferrule जो है वो bristles को secure करता है और दूसरी तरफ वो handle को secure करता है. Ferrules can be made from tin, aluminium, brass or copper alloys that are nickel or chrome plated. Better quality brushes have a brass or copper alloy ferrule. These type have the best adhesion to the handle and a double or a triple crimp ho sakta hai. Jaise yahan pe bhi hum dekh sakte hain, jo crimp hai wo double hai. It can be three also, it can be triple also, and this is important because if the ferrule does not fit properly, bristle will fall out of the ferrule and we won't be able to handle the brush properly also. So इधर और दोनों तरफ जो है वो बहुत ही दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से secure होनी चाहिए, otherwise bristles भी बाहर आ सकते हैं और handle भी. तो whenever you are buying or whenever you are purchasing your brush, you should go through all these points also while buying. Now the last part is the handle. Now this handles can be made of wood, acrylic or bone, and most are made of hardwoods like beech woods, and they can be either short or long, and lengths जो है इसकी ये भी डिफर करती है मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर. और शॉर्ट जो हैंडल्स होते हैं जो कि पाम में ही आ जाते हैं और डिफरेंट पेंट एप्लीकेशंस और मूवमेंट्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है. लाइक जो ऑयल पेंटिंग में जो ब्रशेस यूज़ होते हैं उनके लंबे हैंडल्स होते हैं और उससे बहुत ही बेस्ट और बेटर बैलेंस हम लोग फील कर सकते हैं. और लंबे हैंडल्स वाले ब्रशेस जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑयल पेंटर्स के द्वारा ही यूज़ किए जा सकते हैं. और हम देख सकते हैं हर ब्रश का एक साइज़ होता है और इसको साइज़ को नंबर्स दिए जाते हैं विच इज़ प्रिंटेड ऑन द हैंडल. ये देखिए, and usually it is starts from triple zeros called a triple out. It's not known as a triple zero but it is known as a triple out. I can show you here. This is known as triple out, and it is the smallest size. You can just see the bristles are minimum number of bristles are there. This is then double out mein you can just see it has more as compared to triple out. Then comes zero. Then you can see just here, this is a zero. Then 1, 2 and up to 12. Now this is a 12 number and it can be more. Now you can just see all these things, huh? And now I just want to say something more. The bristles are used to transfer paint onto the substrate surface. Ferrule retains the bristles and attaches them to the handle. And handle is the intended interface between the user and the tool. Before you purchase a brush, you should know the name of the brush. Okay, the name and the size, and like this one is a round brush. इसमें आप देख सकते हैं. मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फेरल का जो अपर पार्ट है इट कैन बी राउंड भी हो सकता है, इट कैन बी फ्लैट ऑल्सो. ठीक है, अब ये जो ब्रिसल्स हैं हमारे ये किस तरह से अरेंज्ड हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको नेम दे दिया है. राउंड में आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी जो ब्रिसल्स हैं वो राउंडेड हैं, ये आपके पॉइंटेड राउंडेड है. इसका जो पॉइंट है वो राउंड है, तो पॉइंटेड राउंड राउंड पॉइंटेड राउंड. देन कम्स अ फ्लैट, वी हैव ऑलरेडी सीन द फ्लैट ब्रशेस.
You can just see this. These are flat. Then comes a bright. Bright में क्या है? Flat ferrule है और inward curves हैं. आप देख सकते हैं दोनों ends पे inward curved edges हैं. ठीक है? और जो bristles की जो length है, short length hairs हैं. ठीक है? Then comes a filbert. इसमें आप देख सकते हैं ये thick flat ferrule है and oval shaped है. ये oval shaped है. इसमें तो हमने देखा था कि इसकी सिर्फ edges जो हैं वो curved edges हैं. इसमें हम देख सकते हैं ये पूरा oval shape लेता है. ठीक है? Which is medium to long hairs हो सकते हैं and long handle. ठीक है? और blending के लिए use होता है because the hair holds together when wet. फिर आता है egbert. Egbert में भी आप देख सकते हैं flat ferrule है but oval shaped tip है. इसकी oval shaped tip है. Longest springy hairs हैं for more color carrying and capacity than filbert, long handles. Then comes a fan. Fan ferrule, ये spread hairs हैं. आप देख सकते हैं ये flat ferrule है. इसमें हेयर्स जो हैं वो बिल्कुल स्प्रेड हो रखे हैं. नेचुरल हेयर इज मोर सूटेबल फॉर सॉफ्ट ब्लेंडिंग एंड सिंथेटिक वर्क्स वेल फॉर टेक्सचरल इफेक्ट्स. देन कम्स अ स्क्रिप्ट और अ लीनियर. इट्स अ वेरी फाइन. इट्स अ राउंड फेरल पॉइंटेड नैरो ब्रश विथ लॉन्ग हेयर्स. सो लीनियर्स आर हेयर एंड लाइन्स फॉर आर सॉरी लीनियर्स आर द शॉर्टर एंड नैरोअर एंड शॉर्ट हैंडल्स राउंड फ्रिल्स एंड लार्ज कलर्स कैरिंग कैपेसिटी होता है इसमें. देन कम्स अ फुल बेलीड राउंड. मतलब जो बेली वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस है बट पॉइंट जो है वो बहुत ही जो इसका एज है जो इसका टिप है वो पॉइंटेड है. तो इट इज़ अ राउंड और अ ट्रायंगुलर फ्रिल इसको कहेंगे हम. एक्स्ट्रा फैट होता है फॉर कलर कैरिंग कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग पॉइंटेड एंड ए शॉर्ट हैंडल. देन दिस इज अ डिटेल राउंड राउंड फेरल शॉर्टर इन लेंथ देन ऑल अदर राउंडेड राउंड्स बट होल्ड्स अ लॉट ऑफ कलर एंड इट इज अ शॉर्ट हैंडल. देन कम्स अ वॉश और अ मॉप. वॉश ब्रशेज विच कम्स इन वेरियस शेप्स. अब आप देख सकते हैं द ओवल वॉश हैज राउंडेड हेयर्स. इसमें फ्लैट फेरल भी है. तो हम लोग ज़्यादातर हम अगर देखें कि ये कि नहीं कि अगर ये यहाँ से फ्लैट है तो सारे ब्रिसल्स हमारे फ्लैट ही होंगे. आप देख सकते हैं इट कैन बी पॉइंटेड आल्सो. इट कैन बी फैन शेप्ड आल्सो. यू कैन इवन सी ऑल दीज थिंग्स. ठीक है ना? और ये देखिए वॉश एंड मॉप्स में इस तरह से आप देख सकते हैं लाइक हम मॉप एंड ब्रशेज होता है जो ज़्यादातर हम कोई भी जब हमको कोई चीज़ बहुत अच्छी तरह से वॉश करनी हो यानी कि स्प्रेड करना हो. वॉशिंग का मतलब यहाँ पे स्प्रेड करना है फॉर अ लंबे डिस्टेंस के लिए. देन अ वॉश और अ मॉप कैन बी यूज. दीज टाइप्स ऑफ ब्रशेज आर यूज. तो आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो हैं ये किस तरह से कैसे इनको यूज़ किया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल अब हम इसको हम ये भी देख सकते हैं ये राउंड ब्रश है जो डिटेल वॉश फिल्स के लिए होता है. थिन टू थिक लाइंस हैं एंड स्कोलास्टिक आर्ट वर्क के लिए यूज़ होता है. पॉइंटेड राउंड जो है वो फाइन डिटेलिंग के लिए फाइन लाइंस के लिए स्पॉटिंग के लिए और रीटचिंग के लिए यूज़ होता है. फ्लैट जो होता है वो बोल्ड है स्वीपिंग स्ट्रोक्स के लिए ऑन एजेस फॉर फाइन लाइन्स एंड यूज हैवियर फिलिंग फॉर हैवियस्ट हैवियर पेंट. देन कम्स अ शॉर्ट कंट्रोल स्ट्रोक्स के लिए हम यूज करते हैं विच इज़ वेरी यूजफुल विद द थिक और द हैवी कलर्स. एंड दिस इज अ फिलबोर्ड विच इज़ अ सॉफ्ट राउंडेड एजेस एंड ब्लेंडिंग फिगरेटिव वर्क के लिए. देन एगबोर्ड जो है वो सॉफ्ट राउंडेड एजेस के लिए एंड ब्लेंडिंग दी फिगरेटिव वर्क्स.
Then the fan is smoothing and blending the special effects and textures. And script liners are delicate lettering ke liye. And highlighting outlines and long continuous strokes ke liye bhi use hota hai. Then this is a full bellied round jo hai wo lettering ke liye yani letter work ke liye outlining ke liye long continuous strokes ke liye. And detail rounds is detail painting and short strokes and wall laying in the large areas, wash and mop me laying in large areas of water or color wetting and absorbing. आपको आज ब्रशेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है. नेक्स्ट में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में समझाऊंगी. थैंक यू वेरी मच.